बालकृष्ण तलाक रुकवा दे वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। ताऊ जी की आत्मा सच में आ गई? सच में आ गई से क्या मतलब है तुम्हारा? तो पहले क्या आने का नाटक बिटक कर रही थी कि क्या? अरे ताऊ, हाँ ताऊ, अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं है ना तलाक करवाने ही नहीं वाला था। वो तो तलाक रुकवा दे वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अरे ताऊ, मैं तलाक करवाने ही नहीं वाला था। ये क्या अभी कुछ इनका डोका भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी अचानक इनको कैसे अजीब प्रकार से देखो ना, कपड़े बिपड़े भी बदल गए इनके, कोट बदल गया, पगड़ी पगड़ी देखो, पहले गेरुए रंग की पगड़ी थी, अभी पीले रंग की हो गई है। आप क्या बोल रहे हैं? गेरुआ पीला कोट क्या क्या बोल रहे हैं? अरे दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है? ये एकदम अलग है, किधर गेरुआ किधर पीला, ये दोनों अलग अलग रंग है ना। गेरुआ पीला एक हुए, गेरुआ पीला एक हुए, बंधुआ उर्मिला एक हुए। प्रभाकर प्रभाकर, ये हम सबको ताऊ बन के डरा रहा था इतने दिनों से। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उस रात जब मैंने ताऊ की आत्मा को बाथरूम में देखा तब ये बाहर खड़े थे, और जब मैं बाथरूम से भाग कर आई बाहर तब भी वो वहीं खड़े थे। अच्छा, हाँ हाँ, और हमने जिनको देखा था ना थोड़ी देर पहले, वो असली ताऊ जी थे। उनकी पगड़ी गेरुए रंग की थी, जिनकी आत्मा ने तलाक को लेकर जो है, अरे तेल लेने गया, तलाक तेल लेने गए, खड्डे में गए, तलाक नहीं बिलक। अभिषेक ने अपने बाप से जो तलाक मांगा है उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा उसे। और रहा अभिषेक और गायत्री के तलाक का सवाल, तो उसका फैसला ना अदालत करेगी ना मैं करूंगा, उसका फैसला स्वयं गायत्री करेगी, है कि नहीं? बोलो। हाँ मेनका, उठो जल्दी, बंडिया उठ, अरे उठो मंदा दादा, उठिए उठिए, हम लोग जा रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार होना है ना। मैत्रा मींस के समझ गया मैं, मींस के हमें सरकना है, चुप रहे तू। उज्ज्वला, आज मुझे बुखार जैसा लग रहा है, लगता है आज मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मुझे भगाना है मदर दादा। क्या मतलब? आपके बुखार को, आपके बुखार को भगाना है मुझे। मेरे पास एक अक्सर इलाज है मंदा दादा, आइए मेरे साथ। और हाँ, आज तो हम स्कूल मिस कर ही नहीं सकते। लेकिन इतने बुखार में। अरे आप मेरे साथ आइए तो सही, मैंने बोला ना मेरे पास एक अक्सर इलाज है। कितना बुखार है आपको? 2 डिग्री, दोनों भाग जाएंगे बरोबर। चलो बढ़िया, मिनका मंदा दादा को लेके चलते। उज्ज्वला, चलिए अभी आंखें बंद कर लीजिए दादा।
परंतु मेरे नेत्रों को बंद करके देखने से सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। चलिए मंदर राधा, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए मंदर राधा। मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कदापि। हाँ हाँ। इनका बुखार भागा या नहीं ये तो नहीं पता, पर वर्मिला आंटी और महेंद्र अंकल 100% उनके घर भाग गए होंगे। ये गायत्री की डिलीवरी के वक्त भी मैं इतना टेंशन में नहीं चला था हॉस्पिटल में। मैं भी नहीं महेंद्र। अरे डोबी, तू तो डिलीवरी कर रही थी ना। हाँ हाँ बराबर, तो मैं एक काम करती हूँ महेंद्र, उस दिन का मैं आज चल लेती हूँ टेंशन में, फास्ट फास्ट डबल डबल। चलो चलो फास्ट फास्ट चलते महेंद्र, बहुत टेंशन आ रहा है। अरे मुझे एक काम करते महेंद्र, फास्ट फास्ट भागते हैं टेंशन में। चलो चलो भागते रहते, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है महेंद्र, शायद कम हो जाएगा। एक काम करते महेंद्र, साइकिल लेके आते हैं और टेंशन में फास्ट फास्ट साइकिल चलाते हैं, तो शायद टेंशन उतर जाएगा। है टेंशन में कोई साइकिल चलाता है क्या, वो भी अपने ही घर में। बात करे बाप रे, ज्योत्सना भाभी का फोन, कहीं ऐसा ना बोल दे कि दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। नहीं, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो बहन, नहीं अभी मैं ताऊ नहीं बनूंगी, अभी मैं दूसरी एंट्री नहीं करूंगी। अगर आपको बहुत जरूरत लगे ना तो आप ताऊ बन जाना, चाहिए तो मैं अन्ना भाई के बाजू में खड़ी रह जाऊंगी और मैं बोल डालूंगी कि कहाँ है ताऊ की आत्मा, कहाँ है ताऊ। अच्छा क्या करना है, तलाक रुकवाना है अन्ना भाई, तलाक रुकवाना है, ऐसा मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं ताऊ तो नहीं बनूंगी अभी, प्लीज। आप सुनिए तो सही, आओ मैं शांति हूँ अभी। सॉरी ज्योत्सना भाभी। महेंद्र भाऊ मुबारक हो, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। मैं पक्का यकीन हो गया है कि तलाक की बात को लेकर ताऊ की आत्मा भटक रही है, परेशान है। मतलब बेड़ा पार। हाँ, कल सवेरे मैं बात छेड़ूंगी, फिर सिग्नल मिलने पर ना आप लोग आ जाना थोड़ा सा रोना धोना करने, कि तलाक की मांग करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो खुद ही बोल देंगे तो ठीक है, आप अगर ऐसा ही चाहते हैं तो मैं माफ कर देता हूँ, तलाक कैंसिल। अरे ज्योत्सना भाभी, जरूरत पड़ने पर हम तो अन्ना भाई के पैरों में गिरने के लिए भी तैयार हैं। एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए। एक छोटी सी आपत्ति है आपके सर पे, थोड़ा सा हाथों का एक्सरसाइज कर लेना। क्यों? ये लीजिए गाठिया। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है प्रभाकर दादा। अरे तू मेरा गाना लिखने में मदद करना थोड़ी, ये गाठिया के साथ कौन सा शब्द जाएगा, गाठिया भाटिया ऐसा ऐसे कुछ बोलना। अरे आपका गाना छोड़िए ना प्रभाकर दादा, अन्ना का दिमाग ना सठिया गया है। सठिया? हाँ सठिया चलेगा, गाठिया खाए सठिया गए एक हुए। वाह वाह, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। पापा दुकान पे गाने लिखना निषेध है, पंडा में इनका बोर्ड दिखाओ इनको। वहाँ देखिए, डू नॉट थ्रो गार्बेज, डू नॉट पिट, ना करिएगा गपशप और ना लिखिएगा गीत। पढ़ा ना पापा आपने, इस तरह रोजगार प्राप्त हो रहा हो वैसे मंदिर के मुख्य कुंड में उपस्थित हो। बस बस, तेरी संस्कृत सीरियल बाद में चलाना, चले हाथ चला बेटा, ग्राहक आए थे। हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? ओ केशव प्रभाकर, बेशर्मो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? अरे बुढ़े बाप से काम कराते थे, ये क्या काम था, क्या बच्चों से मजदूरी कराने लगे तुम लोग? नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये अन्ना का ही हुकुम है। असल क्या है ना, अन्ना को उनके ताऊजी की आत्मा दिखती है और वो आत्मा जो है ना वो धड़ाधड़ 3-4 फरमाइशें कर दी, ये उनमें से एक है, तो बच्चों को हफ्ते में एक दिन मतलब शनिवार के दिन दुकान पे आके धमाल मस्ती करनी चाहिए। सही कहा आपने, फरमाइश तो बड़ी अच्छी की है ताऊजी ने, मुझे दुकान के काम में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। तो ये तेरी सजा है समझी ना उज्ज्वला, आज सुबह मुझ पे बर्फ वाला पानी डाल दिया इस उज्ज्वला ने। देवा 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 देवा। लेकिन आपका बुखार भी तो ठीक हो गया ना 2 मिनट में। बात करते हैं, और फिर ताऊ जी की भी तो यही फरमाइश थी ना कि सारे बच्चों को चांस मिले। हाँ
अन्ना ने ऐसा ही कुछ फरमाया था ना, है ना? जबकि ताऊ जी से मैंने ही कहा था कि ये फरमाइश करे। एक मिनट, है उज्ज्वला, ताऊ जी से तूने कहा था कि ये फरमाइश करे, इसका मतलब क्या हुआ? देख बिन, आज रात को हमारी एकदम आखिरी एंट्री है ताऊ के रूप में, बराबर? तो तू जरा ध्यान रखना कि वो तेरे पापा बेशक भाई और वो तेरे गड़बड़दास काका प्रभाशंकर भाई उधर वाड़े में नहीं होने चाहिए। हम लोग वहां से सही सलामत निकल सके उसमें ठीक से मदद कर देना तू बेटा, प्लीज। मेरी सर्विस में आज तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं नहीं, बल्कि गलतियां तो आपने की है मेरे हिस्ट्री के होमवर्क में, ये देखिए। नहीं, बराबर लिखा है मैंने, और हैंडराइटिंग तो देख बेटा, क्या हैंडराइटिंग निकाली है मैंने, ठीक से देखना बेटा। हैंडराइटिंग अच्छी होने से क्या होता है, जवाब गलत है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत 2057 में हुई थी, फ्यूचर में। महेंद्र ये क्या है? महेंद्र ये क्या है, क्या पूछ रही है तू? जब मैं इसका जवाब लिख रहा था ना बेटा, तब ये मेरे बगल में बैठी थी। तू? अरे क्यों? मैंने जब कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत 1857 में हुई थी तो ये शुरू हो गई। नहीं नहीं महेंद्र, 1957 रखते हैं, 1957। फिर बोली नहीं, 2057 फाइनल। फाइनल फाइनल में तेरे चक्कर में मैंने गलत लिख दिया, देख उसमें चक्रम डोबी। तो तू चक्रम डोबी बीजू कौन छैया? आप लोग ये झगड़ा बाद में कर लेना, और उसके बाद में ना आओ ना वे चाउने होवे वो भी कर लेना। हाँ, अब मेरी एक छोटी सी फरमाइश है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो भी ताऊ के रूप में। अरे ये अभी ये बढ़ा रही है बे, नाम खोटी बात है बे। अरे मेरी पहले बात तो सुनिए। सांभटने पण आपको सिर्फ इतना कहना है, बालकृष्ण ये छोटे छोटे बच्चे तो हमारे दुकान का भविष्य है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शनिवार या रविवार थोड़े से टाइम के लिए सारे बच्चों को दुकान चलाने दे, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी, बरोबर? अरे जू, अरे पर बस बस ये फाइनल। हाँ हाँ हाँ, मेरा बहुत होमवर्क है, मैं जा रही हूँ, मैं वही करती हूँ। हाँ, आप दुकान संभालो। रुके रुक, उज्ज्वला रुक, उज्ज्वला रुक 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 रुक। अचानक होमवर्क की याद आ गई, तेरा बाप हूँ मैं, समझी? चल बता, तूने ताऊ जी से कहा था ऐसी फरमाइश करने को, उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है बताती हूँ। अन्ना को ऐसा आभास होने लगा है ना कि ताऊ जी की आत्मा उनके सामने आके तरह तरह की फरमाइशें कर रहे हैं। मुझे डाउट है, मुझे तो लगता है सबके पीछे कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। उज्ज्वला, आई को ताऊ जी की आत्मा नहीं दिखती, अन्ना को दिखते है, ऐसा होता ही है। जिसका मन पवित्र होता है ना उसको आत्मा दिखती है, इसीलिए आपको कभी नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे देख गई। क्या? हाँ, मैं तो इन चीजों को मानती हूँ ना बचपन से ही, इसलिए तो मुझे ताऊ जी के आत्मा दिखी। तो मैंने उनको बोला कि आप अन्ना के सामने जाके फरमाइश करो कि हम बच्चों को दुकान में खड़े रहने का मौका दिया जाए। अब मैं जाऊं? ताऊ जी अन्ना को दिखे, ताऊ जी उज्ज्वला को भी दिखे, मुझे भी देखना पड़ेगा ना ताऊ जी को, क्योंकि इस घर में सबसे पवित्र मन तो मेरा है ना उज्ज्वला, है ना? ताऊ जी। वहीनी हालू, वहीनी, वहीनी। अरे 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 अरे, अरे क्या करता है वहीनी? क्या कर रहे हैं आप दोनों? अगर भाई 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 बालों में गजरा, तू तो एकदम गायत्री पटाखा लग रही है। पटाखा? वहीनी, पटाखा का इशारा ऐसे कैसे? ये तो कुत्ते का इशारा था ना, और वो भी ऐसे डरा हुआ कुत्ता। हाँ, अरे इसका बिस्किट वो पटाखे की आवाज से ऐसे ही तो डरता है ना, तो हुआ ना ये पटाखे का इशारा। वहीनी, अगर इस पटाखे का इशारा करना हो ना तो आप ऐसे कीजिए। अगवी, ये तो प्यार का इशारा है। हाँ, तो ये प्यार ही तो है जो गायत्री के चेहरे पे नजर आ रहा है ना?
अरे गायत्री, क्या हुआ? अभिषेक ने मुझे विश्वास दिला दिया है भाभी कि मेरे मम्मी पापा के प्रेगनेंसी वाले नाटक में उसका कोई हाथ नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो अब तू उसे विश्वास दिला कि तेरे दिल में उसके खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं है। चल फोन कर उसे। चल लगा वही चला। हेलो अभिषेक। हेलो। हेलो हम बोलो ना गायत्री। तुम अभिषेक तुम रो रहे हो ना? नहीं, खुद को रोने से रोक रहा हूं क्योंकि I'm sorry, I'm really sorry अभिषेक। It's okay गायत्री। गायत्री एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे अभिषेक। हेलो गायत्री, मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके अभिषेक बाय। एक नया गाना लिखा है। ए, ए, गप्पा बास, तुझे दुकान पे खड़ा रखता हूँ, उससे अच्छा तो मैं बच्चों को ही खड़ा रखता हूँ ना। राम राम, क्षमा क्षमा, ऐसे गिराई को गाना बिना नहीं। हाँ कभी 1 किलो बकरवाली देना, आपको जो चाहिए वही देंगे। ऐसे 1 किलो बकरवाली देना, ऐसा बोल रहे जैसे मैं जबरदस्ती आपको 1 किलो चिवड़ा दे रहा हूँ। अरे चिवड़ा ले लो ना। हाँ जी जी जी, क्या कर रहे है? नम्रता से बात कीजिए, बकरवाड़ी दीजिए ना 1 किलो, ऐसे बोलो ना। जी जी ठीक है। अच्छा ये बकरवाड़ी पैकेट में देंगे ना? नहीं नहीं, हम तो बकरवाड़ी चढ़ाते है। हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लेटा देंगे और आपके हाथ में इंजेक्शन की सुई बुई लगाएंगे और इधर बकरवाड़ी की थैली लटकाएंगे और फिर ऐसी नल्ली से जैसे शरीर में खून चढ़ाते हैं ना, वैसे आपके शरीर में बकरवाड़ी चढ़ाएंगे। बकरवाड़ी का रंग होता है लाल लाल, खून का रंग भी होता है लाल लाल, तो बकरवाड़ी खून एक हुए, जाम जेली चद्दर मैली एक हुए। गप्पा बस, दूज क्या कभी भी शुरू हो जाता है। क्षमा जाइए। कहाँ आ गया मैं? पहले दिमाग घुमा हुआ है, ताऊ की आत्मा ने फरमाइश कर दी है, बच्चों को दुकान पे खड़ा रखो, अभिषेक का तलाक रुकवा दो। और एक अभिषेक है, उसको कहा कुछ 100 साल जिएगा ना, 100 साल जिएगा। लो आ गया आपका बेटा, सॉरी एक्स बेटा, और मेरा सेल्समैन डिलीवरी करने। अन्ना वो तलाक का जवाब जो आपने इश्तियार के जरिए अखबार में दिया था वो। अन्ना साहब मुंह पे मारना अभिषेक के, मतलब जो भी आपने जवाब दिया है। बाय द वे क्या जवाब दिया आपने? उर्मिली अभी क्या है महेंद्र? ये क्या लगा के घूम रही है तू? अरे वो इतने दिन से ताऊ बन बन कर ना महेंद्र वो मूछ लगा रही थी ना बार बार, तो मेरी नाजुक त्वचा एकदम बरछट हो गई। बोलो मैं तो दाढ़ी भी करने जा रही थी, फिर मुझे याद है करे मैं तो लेडीज मानस हूँ, इसलिए आई है। ए लेडीज वाली, जा मुंह धो के आ, अभी ज्योत्सना भाभी का फोन आया था, वो यहाँ आ रही है। नहीं 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 महेंद्र, अभी देखो मैंने अभी उनको मना कर दिया ना, तो आपको फोन करके बोल रही है मुझे फिर से ताऊ बनने के लिए। अरे तो जरूर पड़े तो और एक बार ताऊ बन जा ना। अरे नहीं बाबा महेंद्र, नहीं अभी नहीं। मैं इतना वो धोती कुर्ता पहन पहन के जेंट्स हो गई हूँ ना, कि मार्केट में सब्जी लेने गई थी तो गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गई, तो फिर मुझे उन लोग को बोलना पड़ा कि ठीक है ना अभी, हाँ भैया लेडीज जेंट्स सब सेम ही हुआ ना, सब लोग है तो इंसान ही, तो आप लोग क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो, सुसु करो चुपचाप। तू जाना मुंह धो के आ जा, जा 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 निकल चल। गोखले साहब ये आपका पार्सल, ये सब कहाँ रखूं?
अरे कहाँ क्या? काउंटर पे। अरे क्या अभिषेक, इतना भी नहीं पता तेरे को? मुझे एक बात बता, तू भी दुकान में खड़ा नहीं हुआ क्या? अरे कैसे खड़ा होता, तू तो अन्ना साहब का राजा बाबा था ना, सबसे लाडला। वो तो तुझे कभी अन्ना साहब ने काम करने का मौका ही नहीं दिया होगा। माकड़ तोड़िया, एक लात मारूंगा ना तेरी मुंडी यहाँ से उछल के कोल्हापुर के फुटबॉल के मैदान में जाके गिरेगी। लेकिन चिंता मत कर, फिर वहां जो बच्चे लोग खेल रहे होंगे ना, वो तेरी मुंडी को फुटबॉल समझ के फिर से लात मारेंगे, तो फिर से आके चिपक जाएगी। गप्प बस। दादा सर, डिलीवरी हो गई, अभी निकलते। चलो बिल भिजवाएंगे। रुको, तलाक का जवाब चाहिए ना तुझसे? पढ़ लेना।